आज का जो हमारा पार्ट है वो है एच आर बिजनेस पार्टनर कल जो मैं थोड़ा सा बात करा था इट वॉज मोर ऑन द एम्प्लॉयड साइड अच्छा जी सो नंबर वन इज एम्प्लॉ एंगेजमेंट एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस न नेम इट एनीथिंग एल्स एम्प्लॉय जर्नी भी आप ले लिख सकते हैं किसी अदारे में एक एम्प्लॉय जब आता है तो उसकी जर्नी उसका एक्सपीरियंस वो एंड देन एम्प्लॉय एंगेजमेंट देर आर वेज टू एंगेज इसके कुछ सर्वेज होते हैं कभी आप लोगों ने कभी किए किसी ने अच्छा इसका पॉइंट होता है कि आप एम्प्लॉयी कंपनी के साथ कितना वो एंगेज है द मोर

डिटेली बेसिस सो एच आर बिजनेस पार्टनर का काम है टू सी वॉट है ऑर्गेनाइजेशन आर पीपल डीमोटिवेटेड इफ दे आर डी मोटिवेटेड दे आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स दैट मीन्स द एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज लेस एंड एम्प्लॉयज आर नॉट इंगेज एंड मोस्ट लाइकली द विल लीव सो मेकिंग अर्वे जो एच आर एच आर बिजनेस पार्टनर ही बाय दर्वेज इट कैन बी अ सिंपल क्वेश्चन इट हैज टू बी लीडिंग क्वेश्चन मुझे आप मुझे तीन आंसर्स चाहिए और सोच के यू कैन टेक थर्टी सेकेंड फॉरन आंसर नहीं करना हाउ व क्वेश्चन आर यू हैप्पी एट वर्क मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया आपको कहा गया फ्रॉम योर सी ओ या बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कि जाएँ जी इंप्लाई इंगेजमेंट सर्वे तैयार करना सिम्पल आप पूछेंगे हाउ हैप्पी आर यू ऑन ऑन स्केल ऑफ वन टू फाइव क्या आपको मिलेगा मैं अगर हूं वहां पर इसी को क्वेश्चन को तो आई वुड लाइक टू सी उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैं क्वेश्चन में हिलाऊ उसको फर्क कैसे लेके आऊं जस्ट टू ट्राई एंड मेक हिम थिंक यू से हाउ हैप्पी आर यू चार कर दे यार बट वेन यू आस एन इंट्रीगिंग क्वेश्चन इट गोज इन द दर्सन हार्ट दे लाइक यार मुश्किल क्वेश्चन कर दिया है नाउ वेन ई इज से मुश्किल क्वेश्चन नाउ इज थिंकिंग इज ऑन नाउ द चांस आर कि बॉस का क्वेश्चन साइड पर आज ख्याल रखें एंड देन एक और क्वेश्चन आता है आप अपनी सैलरी से खुश सारे कहेंगे नो बट यू आर्स अ क्वेश्चन आर यू सेटिस्फाइड विद योर सैलरी एज अपोज टू दर पेयर और योर योर फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री विद द सेम एक्सपीरियंस नाउ ही इज गोइन अ से थिंक अदरवाइज हाउ हैप्पी हाउर योर सैलरी मुझे तो और चाहिए कितने पॉइंट So, आखिर में जाके जो सही तकड़े होते हैं सर्वे अगर वो ज्यादा है दस पे दस क्वेश्चन के हैं सातवें आठवें नंबर पे वही क्वेश्चन उल्टा करके विद ऑप्शंस चेक करो एंड देन उसकी लिंकेज चेक करो कि ऊपर का आंसर इसकी अब क्या है अब आपको आइडिया होगा कि उसने ऊपर तो उसको नंबर चार दिया है यहां पर क्या कर रहा है अब आपने उसका उल्टा कर दिया ना वहां पर आपने लिखा फ्रॉम वन टू फाइव वो स्ट्रॉगली अग्री से आपने स्टार्ट किया इसमें आपने उल्टे सेंस में वो, स्ट, वो स्टार्ट किया strongly disagree yeah. so, those are the kind, अच्छा वहां से आपको एक मिल जाती है इसको बोलते हैं पल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द जनरल फील इन ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है एक तो आपके पास होती है डैशबोर्ड में दैट्स टर्न ओवर रेट ठीक है uh, आई डोंट नो हाउ यू यू गाइज विल कैलकुलेट इट या करते हैं कि किस तरह करते हैं मुझे कोई आइडिया दें होता ही है सिंपल उसकी है कैलकुलेशन नंबर ऑफ नंबर ऑफ एग्जिट्स डिवाइडेड बाय एवरेज लो उस साल का एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉज ठीक है अब इसमें अगर आपने टिटर्मिनेशन किए हैं तो वो नहीं आएंगे इसमें सो एग्जाम्पल वी आर इन द इलेवंथ मंथ राइट अब ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं हाउ डू यू टेक द इयर्स डि डेटा यू यू द आईटी गर्ल्स आई नीड टू नो इट्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट अगर मुझे आज की डेट में टर्नओवर चाहिए तो मैं क्या करूंगा और ये एचआर बिजनेस पार्टनर का कोर काम है ये भी ये आइए इसके बाद हम आगे जाएंगे कि हाउ द एम्प्लॉ एक्सपीरियंस इज गोना बी बेटर जो जर्नी है मुझे बताएं अब साल को विल यू टेक के कैलेंडर ईयर या विल यू टेक अच्छा दो टेको रोलिंग ईयर लेंगे या कै, कै, कैलेंडर लेंगे मुझे बताएं जरा और उसका उसका फॉर्मूले में क्या फर्क होगा एफ पे तो मैं जा ही नहीं रहा एफ का उससे लिंक नहीं है वो अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, वो इंक्रीमेंट्स के टाइम पे हो सकता है आपके लिए इसी हाइपोथिकली मैंने ले लिया आपके लिए ईयर 21-22। सो सो वी आर इन द मंथ, ओके? नाउ पूरे साल का दें जरा मुझे आपके पास तो डेटा छः महीने का है अब अगर आप छः महीने का लेंगे और अभी छठा छे, छे, महीना वो स्टार्ट हुआ है सो so हमारे पास कितने हैं? अगर दस लोग छोड़ के जा रहे हैं एवरी मंथ तो वी आर एट फिफ्टी टू दूसरा हफ्ता दो लोग ऐड कर लिए मैंने फिफ्टी टू डिवाइडेड बाय हमारे पास पांच सौ लोग हैं जी एग्जाम्पल ये तो नहीं काम बनेगा बिकॉज ये तो साल का डेटा दे, ही नहीं आपका ये तो सिर्फ पांच महीने का है डेटा मेरे क्वेश्चन की आई समझ के नहीं आई

वो उसका वो ये इस फोर्थ नाइनटी पे हो जाए तो फनी पड़ने वाला फर्क ये मुझे बताओ क्योंकि मैं तो पूछ रहा हूं मुझे पूरे साल का चाहिए हाउ विल यू डू इट क्या आप के कैलेंडर पे जाएंगे मैंने अभी इरेज की और आपने वही यार रोलिंग तो 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 पे जाओगे इसका मतलब है कि आज क्या डेट है तो आज है फोर्थ ट्वेल्थी मन तो आप लेंगे

मेन की अगर मैं डेटा ही और कर दू और वह डेटा सही है नो बडी इज आस्किंग वो भाई आप किस डेटा पे उठा रहे हैं सो so अगर मैं कैलेंडर अगर अब मुझे ना वट यू आर से प्रोजेक्टेड ठीक है प्रोजेक्टेड कैन बी कैलेंडर या फिजिकली दोनों में मैं कर दूंगा यह है पांच मंथ का डेटा ठीक है सो इसका सिंपल क्या होगा 52 टू बाय बाई फाइव टेन पॉइंट टू फाइव इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाई 12 कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई वन टू ट्वेंटी समथिंग वन टू टू ट्वेंटी फाइव आ गया सो ना दिस इज योर इस साल का बेस्ड ऑन द फाइव मंथ्स हम जब साल एंड होगा अब इसका मुझे बताएं क्या है कितना बना परसेंटेज कैलकुलेटर कर दें मुझे जरा तो आपका जी 25% turnover which is on the on the on the higher side. So this shows your employees are not happy They are not, and then also the pulse and the service shows that your employees are not happy and now you have a fact Factual data and you can go to your board of directors your CEO and say we need to make interventions

एक चीज और याद रखना इसके अंदर अगर डेप्थ में जा, 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 जाना चाह रहे हो ना मैं मैं आपको हेल्प करता हूं हेल्प करता हूं एक अगेन अब इसको भी देखना है ना क्या हो रहा है देखना है इसको इवेल्युएशन का आप लोगों को आइडिया है आप लोगों की कंपनी में इवेल्युएशन होती हैं डेटा नॉर्मलाइज होता है राइट हो गया उसके बाद आपने कोई उनको रैंकिंग्स दी ए बी सी डी राइट ए स्टार वन किसी ने टी वन कोई देता है कोई सी पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजी हर कंपनी की होती है वन टू थ्री फोर होती है इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर ना आप उस डेटा दे, दे, में देखते हो कि मैंने उसमें वो लेना ही नहीं है वो डेटा मैंने पल्स के लिए इफ आई हैव टू सी व्हाट द पल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज आई विल नॉट टेक द डेटा ऑफ द पीपल हु आर लीविंग बिकॉज उनका गोल्डन हैंडशेक हो रहा है या कुछ और हो रहा है ठीक है आई एम टॉकिंग अबाउट द यंग वर्क फोर्स द जो कि हमारी एवरेज एज क्या है पाकिस्तान में okay. आप आप तो लाइफ पे पहुंच गए भाई like. भाई एवरेज एज हमारी इस टाइम 21 साल है अब उसमें जाओ ना <laughs> यंग में जर्मनी की कितनी है 39 नाइन वी हैव द यंगेस्ट वर्क फोर्स इन द वर्ल्ड ठीक है भी भी ये नादरा का उठा लेटा सेंसेस से, 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 हुआ मैंने तो कहा नहीं है लिखा है जर्मनी इस 39 यूरोप में और जो कंट्रीज हैं इसीलिए आपको नेशनैलिटीज बाहर की मिलती हैं बिकॉज वहां पर लोग यंग जो लोग हैं वो शादियां भी नहीं कर रहे अमेरिका के अंदर मुझे एक ने बात की थी कि वेरी सून अमेरिका के अंदर द वाइट स्किन और वाइट रेस एंड होती जाएगी

जो मेक्सिकन है वहां पर जो एशियंस हैं जो कि आके लो एंड से उन्होंने स्टार्ट किया वो तो अभी भी पांच पांच कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं छह छह बच्चे बच्चे पांच पांच कर रहे हैं सो ओवर ओवर द द इयर्स यू विल हैव मोर स्पेनिश मोर चाइनीज मोर अदर पीपल मोर इंडियन पाकिस्तानीज मतलब जिनको ए बी सी सी डी भी बोलते हैं मतलब <laughs> वो वाइट स्किन जो एक्चुअल में है वो खत्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे यू विल हैव मोर अफ्रीकन अमेरिकन जिनको आप हबशी बोलते हैं यू यू हैव मोर वो स्पेनिश आ जाएंगे mm -hmm. आपको वाइट लोग अभी भी आप अमेरिका जाए आपको सिर्फ आप ऊपर ऊपर मिलते हैं नीचे और हो गए हैं लोग ठीक है इसीलिए कैनेडा में आपको ने नेशनैलिटी मिलती है ने न्यूजीलैंड वाले आपको एक्सेप्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले यूरोपियन भी इन उधर भी एवरेज एजेस हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए हमने जो इंगेजमेंट लेनी है ना जहां काम हो रहा है वी हैव टू वर्क ऑन द पीपल केयर अबाउट पीपल यू गाइज शुड फोकस ऑन योर जो आपके ड्राइव कर रहे हैं आपकी कंपनी को द स्टार्स अबाउट द कॉन्सेप्ट एटी टू ट्वेंटी रूल बड़ा बहुत बिजनेस में और अब आपने यूज करते रहना है. मीटिंग्स के अंदर जब आप बैठे अपने टॉप के लोगों के साथ पीयर्स के साथ बैठे इंटरव्यूज के अंदर एटी ट्वेंटी रूल ये बिजनेस में बहुत इसको माना जाता रूल है एटी ट्वेंटी रूल और ये हर जगह अप्लाई करता है तो आप देखेंगे अभी आप अपने देखेंगे बीस परसेंट लोग हैं जो, जो आपका अस्सी फीसद करते हैं आके आपका वही बीस परसेंट लोग हैं वही आएंगे और आपका अस्सी परसेंट टाइम जया कर देंगे और आपको उन अस्सी परसेंट पर काम नहीं करने देंगे जो कि आते ही नहीं आपके पास

कोई गॉसिप नहीं कर रहा कोई टॉक्सिक एनवायरमेंट नहीं कर रहा कोई इंट्रीग्स नहीं कर रहा कोई किसी कार बात नहीं कर रहा एंड ही खुद बैठा है फोन पर कुछ मर्जी कर रहा है एक आधा दोस्त व जाके चाय पी लेता है दैट्स नॉट एन इशू मैं वो कह रहा हूं कि आप अपने जरा दो अच्छा जरा देखो सोचो अपने इर्द गिर्द कुछ हैं ऐसे लोग जो आ जाते हैं वैसे ही जो वैसे ही आ जाते हैं हैं जो वैसे ही आके आपका टाइम करते हैं और वो आके बस मेरी चेयर नहीं सही है वो ये हो रहा है और वो एक दफ़ा तो ठीक है लेट मी एक्सप्लेन यू एक और चीज़ यूनिलेबर में मैं था और वो जो सी ई ओ थी खा, खातून थी तो, 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 तो रहीम यार खान फैक्ट्री वो आई और मेरा भी सकेंड मान था वहाँ पर तो ऑबियसली आई वॉज़ माई फर्स्ट सेकेंड प्रॉपर जॉब और सी ई उस वक्त उसकी सैलरी पच्चीस तीस लाख थी उस वक्त तो मेरे लिए तो वो एक वैसे ही और एक खातून और एक बड़ी वो स्ट्रॉग खातून थी तो पाकिस्तानी थी तो वो आगे आगे जा रही मैं पीछे तो एक भाई भागते है, भागते आए मैडम हाई मैडम हाई मैडम हाई अरे कहा मरे गए इसने तो अब कोई एच की करेगा बात उसने कहा मैडम वो तो ना मैं जिंदगी बर्बाद होगी एच आर ने मेरी कर दी फला हो गया मैं, मैं मैडम पंद्रह साल से मेरे ये इशूज़ चल रहे हैं ये चल रहे हैं ये चल रहे हैं मैंने कहा मर गए यार मैडम ने कह क्या पर उसने पता है क्या आंसर दिया मैंने कहा यू आर वेटिंग फॉर फिफ्टीन यर्स फॉर मिस हाई टू कम एंड फिक्स योर इशूज़ एंड शी जस्ट वॉकडवे तेरे इश्यूज खत्म ही नहीं होने मैं मैं उसने कहा जो पंद्रह साल से कोई हल नहीं कर सका तो इसलिए जब कोई नया बॉस आता है कोई टीम चेंज होती है कोई नया हेड आता है वो जो लोग हैं ना बीस परसेंट वो वापस आ जाएंगे फिर हर मुन के वजह सर मुझे गाड़ी नहीं मिली सर फ्यूल मेरा काम है सर सर पर प्रमोशन नहीं हुई वो नया बंदे फिर लग यू हैव टू सी हाउ

एक्सेप्टेबल टर्न ओवर रेट क्या है सर्च कर लें अपने अपने जो गुरुज हैं आप लोगों की इंडस्ट्री के उनसे पूछें सर आपका कितना है आपका कितना है बिकॉज आई टी के अंदर बीस परसेंट बीस पच्चीस जो है पर पर्सन एक्सेप्टेबल है बट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए हाँ मैन्युफैक्चरिंग में दस ग्यारह बारह इज गुड एंड इट्स हेल्दी फाइन लोग जाए आए मैंने तो एक आपको रफ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस इन द आई टी वर्ल्ड आपको एक मैंने दे दिया आपको अपनी इंडस्ट्री में दे देखना है कि क्या हो रहा है वहां पर एंड देन यू सी अगर आपकी इंडस्ट्री में नॉर्मल इज थर्टी परसेंट थर्टी है और आप चल रहे हैं फोर्टी वन पे तो देर इज एन इशू भाई हाँ दे इज एन इशू और अगर आपके अंदर अगर आपका एक्स ग्यारह परसेंट और बाकी सब आठ पे खड़े हैं सात पे देर इज एन इशू देन अगेन यू सी आउट ऑफ दिस हाउ मेनी आर ऑफ दीज आर लिविंग इसकी परसेंटेज अलहदा होती है कि आपके एज और बीज कितने जा रहे हैं बिकॉज इफ इफ यू आर दीज पीपल आर लिविंग तो आप मजमुआ बन जाएंगे एवरेज लोगों का सो <laughs> so आपको इसको फोकस करना है इस पे इस नंबर पे और इस नंबर पे कि यहां से कितने जा रहे हैं यहां से जो जा रहे हैं यू शुड बी हैप्पी यू शुड बी हैप्पी प्लीज प्लीज बट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ ये और वो वर्किंग करें इंगेजमेंट सर्वेस ले लोगों से पल्स आपको पता है कि क्या हो रही है ठीक है अब आप क्या करें अब इसको एड्रेस कैसे आपका करेंगे हो गया

अब अपने सर्वेस के साथ जो डेटा है उसके क्वेश्चन वो चार्ट्स लेके गए आप सब कुछ अब आप गए वहां पर और आपने कहा सर अब क्या करें सर एम्प्लॉज तो एंगेज नहीं है तो क्या करना चाहिए भाई दे यू गो तो मैं उस पर ही कह रहा हूं कि आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं एग्जैक्टली यू यू हैव आई वॉज एक्चुअली बहुत अच्छा अपने का आप देखेंगे नीड क्या है अगर अगर एक प्रॉब्लम ज्यादातर कंपनियों में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं लोग क्यों छोड़ते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को कल्चर आपके ख्याल में क्या ये एक पर्पज होता है कि हमारे टॉप के लोग नीचे वाले लोगों से बात नहीं कर रहे होते आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें देके जा रहा हूं यू वर्क ऑन होगा फॉर एच आर बहुत important है programs. इसको बोलते हैं हाउ टू एंगेज ना ये तो हो गया आपके प्रोग्राम्स ये प्रोग्राम को कोचिंग होती है किसी में कोचिंग होती है कोचिंग और मेंटरिंग में मैं आपको दे देता हूँ फर्क कोचिंग इज अ वेरी स्पेसिफिक रोल मुझे Uh, मुझे एक्सेल नहीं आती मुझे कोडिंग नहीं आती मुझे कलर ड्राई करना नहीं आता मुझे मुझे ये चीज ऑपरेट नहीं करनी आ रही तो मेरा कोई कोच होना चाहिए वो कोच हो गया कोचिंग मुझे जी प्रेजेंटेशन स्किल्स मेरी अच्छी नहीं है मुझे डेटा uh, को कंपाइल comp करना नहीं आता आर द कोचेज मैंटरिंग इज मो टू डू विद जनरल लाइफ गाइडेंस बड़ा भाई बड़ी बहन जिसके पास आप अपने किसी भी काम से जा सकते हैं उसके पास आप उसमें कहा गया है कि वहां पर कुर्सी मेज इंक्रीमेंट प्रमोशन की बात करने की इजाजत नहीं है तो फैमिली इशू प्रोफेशनल इशू जो स्टॉक हो गया हूं। जो भी आपको क्वेश्चन था yeah. और हो सकता है जहां से आप देख रहे हो आपको लग रहा हो कि मैं सी... लेकिन वहां से वो कहे नहीं यू मूव हेयर दिस इज हाउ यू विल गो अप

हमारे कल्चरल इश्यूज ठीक रहे हैं। यहां अपने ऑफिस खोलेंगे वो कंपनीज़ ने खोलनी है उन्होंने यहाँ जब वो खोलेंगे तो उनको एचआर के लोग कहाँ से जाएंगे आप लोग जब तो आप क्या आप क्या वेल well इक्विप्ड हैं कि नहीं है तो जो वो उधर चले जाएंगे तो जिस कंपनी में है, वो उसको तो लीड करना है ना <laughs> <laughs> इतने, 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 इतने इतना 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 परेशान ना आज यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ डू यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ नेगेटिविटी को बाहर फेंके प्लीज इफ यू वॉन्ट टू हेयर मी आउट नेगेटिव थाट्स अदरवाइज यू यू वॉन्ट हेल्प योर सेल्फ एंड योर पीपियस और पॉजिटिव ये नहीं है कि बस रहो खुश रहो पॉजिटिव ये है कि अल्लाह है मेरी मेहनत ने रंग लाना है वो लाना है भाई लाना है वो लाना है वो आपका एतकाद होना चाहिए वो नहीं है ना तो फिर अपना जरा अंदर अल्लाह से रबता ठीक करो दैट इज वेरी मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू वेरी 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 इफ यू इफ यू डाउट योर सेल्फ दैट मीन्स योर कनेक्शन In my definition, your connection with your with your Allah is not just somehow कुछ हो रहा है वहां पर स्मूथ नहीं है नेगेटिव हो गए ना पाकिस्तान में बहुत बड़े issues हैं कि जो टॉप के लोग हैं वो नीचे लोगों के साथ जो कि कल के हीरोज हैं उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते मार्केट तेज है छोटी कंपनीज में उनको वो एक्सपोजर मिल रहा होता है वो चले जाते हैं छोटी कंपनीज में बिकॉज आपके जो सीनियर्स हैं वो अफसरी कर रहे हैं उधर जो एक एक बनी है बाहर की कंपनी वहां का जो टॉप का बंदा है वो कह रहा रहे आप खा, खा, खाना खा यार बैठ क्या थे बेटा यहाँ पर जो है वो वो की पर बैठी है पी ए से का मूड ही किसी और तरह का सी ओ से मिलना है पर दो हफ्ते लगेंगे वो, वो भी सी है अच्छा ये है आपके ओडी प्रो, प्रोग्राम्स जो मैं कर, कल बात कर रहा था कल आपको याद है मैंने ओडी का कहा था कि जो बायर से आपका कंसल्टेंट हायर करते हैं ये है आपके दो ओडी की इंटरवेंशन ये इंटरवेंशन ये इंटरवेंशन जब क्या होगा इसके अंदर इसके अंदर क्या होगा इनके साथ पांच लोग काम कर रहे हैं शी कि हाइपोज हैं ये नहीं छुपा सकती ना अभी इनको देने हैं मुझे वो दो लोग और वो दो लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम का भी हिस्सा होंगे और प्रोग्राम्स में होंगे और हेड्स और लोग उनसे देखेंगे वो कहेंगे क्या क्या हीरे बैठे हुए ये तो ऊपर है, है। नहीं है सॉरी आपने आपने ओडी के जरिए फोर्स कर दिया ना इंटरवेंशन टूल्स यूज किए इनको वो, नाम वो तो भाग है अगर आपके साथ दस लोग काम करें आपके साथ दस लोग काम करें आपकी टीम में आपने नाम तो देने और अगर आपने दे दिए नैले गांव में वहां पर जो बाकी टीम्स के तो बड़े अच्छे हैं तो कहेंगे ये किस किस्म किसकी पूरी टीम है वो तो कहेंगे ये तो पूरी टीम ही फारिग करो बाकी टीम्स में तो देखो कितने अच्छे लोग हैं So, इससे आपके आइडेंटिफाई होते हैं वो स्टार्स उनको आप एंगेज करते हैं अब उसके लिए आप डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, हाउ द इंगेजमेंट कैन वर्क सो दीज आर द टू प्रोग्राम्स ये तो अपने अंदर एक बहुत जबरदस्त है जो है प्रोग्राम इसके ऊपर आप वीडियोज देखें सब कुछ करें इसके ऊपर लोग पाकिस्तान में मिक्स कर देते हैं इसको और इसको दिस इज फॉर अ स्पेसिफिक थिंग फॉर अ स्पेसिफिक इशू दिस इज फॉर जनरल लाइफ में जब आपको कोई गाइड नहीं मिल रहा होता जिसकी वजह से आप अपने दोस्तों से पूछते हैं हु हैव अचीवड एट ये वो लोग हैं आपकी फील्ड के और आपने उनके साथ टाइम स्पेंड करना है और, उन, और उन्होंने आपको टाइम देना है और फिर आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपके सीनियर्स ये टाइम दें आप उनके के या उनकी परफॉर्मेंस या उनके इंक्रीमेंट्स को लिंक करते हैं कि आपने मेंटरिंग सर की कि नहीं की <laughs> सर आप तो हर वक्त कहते हैं मैं बिजी हूँ बहुत बिजी हूँ बहुत बिजी हूँ बहुत बिजी हूँ हर बॉस तो हाउ विल यू मेक श्योर कि बॉस बच्चों को टाइम दे रहे हैं डिफरेंट बॉस हैं हर कंपनी में दस पंद्रह बीस अच्छे तकड़े लोग होते हैं वो तो टाइम ही नहीं देते मेरे पास टाइम नहीं है बट उनका जो साल का रिव्यू होना है उन्होंने कितने घंटे दिए वन ऑन वन अब उसमें टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि टेक्नोलॉजी के जरिए मैनुअल इंटरवेंशन वो अगर मीटिंग हुई है मेंटी ने लिख दिया कि मेरी मीटिंग हुई है तो वो केपीएस में आ रहा है स्कोर इसमें दो लोग होते हैं ना इसके अंदर एक होता है मेंटी और एक होता है मेंटोर जो ट्रेनिंग ले रहा होता है या टाइम वो मेंटी होता है जो दे रहा होता है मेंटोर होता है और अगर जिसको आपने इस प्रोग्राम में डाला है और वो सेशन ही नहीं ले रहा तो कल को ये नहीं कह सकता कि वो टाइम नहीं में मिला मुझे बिकॉज आपने चैनल्स खोल दिए थे ऑर्गेनाइजेशन में लेट टेक्नोलॉजी डू द ऑडिट एंड द चेक ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन इन डेट डेटा लाइव चीजें लाओ भाई सब तक क्या हो रहा है, कैसे हो रहा रहा है है कैसे उसमें टेक्नोलॉजी आती है जब आप इसी कंपनी में प्रमोशन के लिए जाएंगे या किसी और कंपनी में सीनियर पोस्ट के लिए जाएंगे या अच्छी सैलरी के लिए जाएंगे ये टर्म्स काम आएंगे आपके और अगर आपने इन पे काम किया होगा क्योंकि इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप ये लॉन्च करेंगे ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको तो वो जब हर्डल्स आपने की होंगी ना तो इंटरव्यूअर पता है आपसे क्या पूछेगा वो आपसे प्रोग्राम की सक्सेस नहीं पूछ रहा होगा वो आपसे पूछेगा अच्छा आपने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया था आप कहेंगे जी मैंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था उसने कहा हाउ इज द जर्नी टेल मी द हर्डल्स हाउ इज इट एंड वेन द हर्डल्स जो आपने फेस किए और अगर वो रियल होंगी ये है बंदा काम करने वाला इस पे तो बहुत वीडियोज अब आ चुकी हैं बहुत लोग कह चुके हैं कि यू हैव टू फायर योर आपको उसका इसको कहते हैं कॉम्पिटेंट जर्क एक होता है इनकॉम्पिटेंट जो इनकॉम्पिटेंट है ऊपर से जर्क है वो तो फायर होना ही होना चाहिए सिंपल सी बात है ना इनकॉम्पिटेंट जर्क जर्क क्या होता है जर्क होता है जरा बदतमीज़ आदमी और ऊपर से इनकॉम्पिटेंट है इनकॉम्पिटेंट का क्या मतलब होता है कि जिसको काम नहीं आता उसको तो टर्मिनेट होना चाहिए फिर एक होते हैं कॉम्पिटेंट जर्क्स वो लोग जिनको काम आता है ईगो आ गई है अब वो कॉम्पिटेंट हैं बट जर्क्स हैं तो उसके ऊपर अब बहुत सारी स्टडीज और बहुत सारे उस पर स्टडीज अब हो रही हैं कि वाई शुड कंपनीज फायर देयर कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट जर्क्स बिजनेस इफेक्ट होने दो कंपनी इसलिए फायर कर दी यार पैसा बड़ा ला रहा है बहुत पैसा है। ये तो ये पूरा पूरा फंक्शन देके चल रहा है बट ही इज इन द कल्चर और अगर आपके ख़ानदान में इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं यू जस्ट हैव टू अवॉइड आई गेस चेंज तो नहीं हो सकते लोग